देखो न्यूक्लियाई के अंदर एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है ये हमें पता है, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या है ये भी पता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है पता है, मास नंबर क्या है पता है। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि फिजिक्स वाले सोचते हैं शायद केमिस्ट्री पढ़ के नहीं आए, तो थोड़ा सा बता दें केमिस्ट्री के बारे में कि ये न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ और किताब में से पढ़ने ही मत बैठ जाना, कोई फ़ायदा नहीं है उसको पढ़ के। ठीक, तो ये रहा ए न्यूक्लाइड क्या है, ये भी आपने केमिस्ट्री में किया हुआ है, न्यूक्लियर साइज से करेंगे।